हमारी बाइक में कार्बोरेटर होता है तो हम उसे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये मेरे पास है डिस्कवर 125 cc, तो मैं इसमें आपको कार्बोरेटर की सेटिंग करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कार्बोरेटर की ठीक सेटिंग करके अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको बाइक को चालू करके दिखाता हूँ। देखिए इस टाइम ये 1000 RPM से नीचे पर है। अभी हम इन दो स्क्रूज का इस्तेमाल करके कार्बोरेटर की सेटिंग करेंगे। तो ये है आइडियल स्क्रू इस गाड़ी में, और ये है जो मिक्सचर स्क्रू है जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर को सेट करता है। तो इससे हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सेट कर सकते हैं और इससे हम अपनी आइडियल RPM को सेट कर सकते हैं। जैसे हम जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो कितने RPM पे खड़ी रह सकती है आइडल पे। और ये जुड़ा होता है हमारे एक्सीलेटर के तार से। तो आइए देखते हैं हम कैसे सेटिंग। तो पहले तो हम इस वाले स्क्रू से, जैसे कि हम अब ये देख सकते हैं कि अभी ये 1000 के आसपास पे RPM पे चल रही है। तो पहले तो हम स्क्रू से जो हमारा RPM वाला स्क्रू है उससे हम बढ़ाकर 3-4000 RPM पर सेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम वो सेट कर सकते हैं अपने मिक्सर वाले स्क्रू को। सबसे पहले इसे बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमाकर सबसे कम सेटिंग पर कर लेंगे मिक्सर की। इतनी की गाड़ी बंद ना हो, और उसके बाद जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर किस मिक्सचर पर गाड़ी सबसे ज़्यादा स्मूथ है। जैसे कि अभी जो फ्लिकर कर रहा है ये इंजन, जैसे एक पल्स नीचे एक पल्स ऊपर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, धीरे ऐसे जो हिल रहा है, उस तरह की हमें मिक्सचर बनाना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अभी भी ये एक RPM फ्लक्चुएट करेंगे, मैं आपको एक बार RPM मीटर में दिखा देता हूँ। तो RPM फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए, हमें ये देखना है।
बाद आपको जिस सेटिंग पर लगे कि आरपीएम सही है उस सेटिंग पर आप वापस से रेस वाली कार को नीचे कर दीजिए। आप इन दो नट का यूज़ करके आप कार्बोरेटर में सेटिंग कर सकते हैं अच्छे माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए। और दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि थोड़ा इंजन गर्म होना चाहिए यानी थोड़ा सा चला होना चाहिए और उसमें तेल अच्छा खासा होना चाहिए आपके टैंक में, मतलब करीब 2 लीटर 3 लीटर तेल होना चाहिए। तो उससे क्या है कि सेटिंग अच्छी बैठती है। तो इस तरह से आप कार्बोरेटर की सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।